के आए यहाँ के लौंडे बस स्कूलों में जाके ऑडिशन कराने लग गए। मतलब 2-4 रुपए कमाएंगे और वो पैसे उड़ा के और जो जिन बच्चों का जो रियल में जो टैलेंट है उनका टैलेंट वेस्ट करेंगे। तो मैं नमस्कार, मैं दीपेश नेगी आप लोगों को एक बहुत बहुत ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी धारचूला में कुछ लोग ऑडिशन करा रहे हैं, मतलब कि सिंगिंग और डांसिंग का, और मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि वो बच्चों से पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर वो 300-300 रुपये चार्ज कर रहे हैं सबसे। और यहाँ हमारे जो बच्चे हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा है उनसे 300 रुपये ले के वो लोग ऐसा करेंगे, आगे कुछ स्कोप नहीं है। मतलब 300 रुपये लेंगे और उस 300 रुपये का अगर एक बच्चे से 300 रुपये लिए अगर 100 बच्चे आते हैं तो 300 × 100 करो, यानी कि 30,000 ऐसी होता है। तो जब 30,000 रुपये उनके पास 100 बच्चों से आ रहे हैं तो वो लोग 21,000 का प्राइस रख के बाकी अपना जितना भी पैसे ऐसे हैं वो लोग अपना खर्चा पर्चा निकालते हैं और बच्चों का मोरल डाउन होता है इस चीज़ से। तो मैं धारचूला की सारी जनता से और पिथौरागढ़ की सारी जनता से एक निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी बंदा ऑडिशन ले रहा है तो बिना पैसे के अगर ऑडिशन ले रहा है तो वो रियल चीज़ है। अगर पैसा मांग के आपसे ऑडिशन ले रहा है तो वो फेक है। आपका समय, आपका टैलेंट, आपका एक मोरल, जो अंदर मोरल कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे बच्चे के पास टैलेंट है, वो सब डाउन हो जाता है क्योंकि पैसा लेकर ऑडिशन कोई भी नहीं कराता। मैं भी कराता हूँ, मैं आज तक पैसा नहीं लिया। मैंने जो इससे पहले वाले ऑडिशन कराए पैसा नहीं लिया, सबको ऊपर से मेरी तरफ से ट्रैवलिंग एंड फूड एंड एवरीथिंग दिया। तो प्लीज़ प्लीज़ धारचूला की जनता और पिथौरागढ़ की जनता जागरूक हो जाइए आप लोग कि ऐसे फेक लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार कीजिए। और जब आप ऑडिशन देते हो किसी को तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानिए, कौन से प्रोडक्शन से है और कौन सा शो है, कहाँ तक जाएगा और जो ऑडिशन ले रहा है वो कौन है, उसने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। ये कल के आए यहाँ के लौंडे बस स्कूलों में जाके ऑडिशन कराने लग गए। मतलब 2-4 रुपए कमाएंगे और वो पैसे उड़ा के और जो जिन बच्चों का जो रियल में जो टैलेंट है उनका टैलेंट वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको धारचूला की जनता को मैं एक अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ, तो ऑडिशन कभी भी कहीं भी जाओ, जो पैसा ले रहा है वहाँ कभी ऑडिशन मत दो। भले आपका टैलेंट, आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से अपना चैनल बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन पैसे ऑडिशन के लिए कभी मत दो। अपने टैलेंट का पैसा आपको मिलता है, आप देते नहीं हो। सो नमस्कार, बस ध्यान रखिए, धारचूला स्टेडियम में कोई ऑडिशन करा रहा है, फेक लोग हैं वो, तो वहाँ पे जाना अपना मोरल डाउन मत करना। सो स्टे ट्यून।